रामटेक विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल ने सदन के परिसर में युवाओं को रोजगार देने के लिए अग्रसर रहने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाना ही उनका उद्देश्य है। इस बारे में उन्होंने हमारी संवाददाता एकता गहरवा से बात की। आज हमारे साथ है रामटेक विधानसभा क्षेत्र से विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल सर। आज हम सर से जानेंगे कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों के लिए क्या क्या वो आज अपने मुद्दे यहाँ रखने वाले हैं। सर हमें बताइए, आज नियम 293 अन्वय आज चर्चा है, उसमें मैं ओपनिंग कर रहा हूँ और उसमें विदर्भ की बेरोजगारी, विदर्भ के रुके हुए प्रोजेक्ट्स, कोयला, ये जो और भी जो विदर्भ की खनिज संपदा है उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उससे जो यहाँ के लोगों को फायदा होना चाहिए, कृषि प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन विकास और विशेष रूप से जो एम्प्लॉयमेंट है इसके ऊपर जो डाटा है वो जनता को सामने रखा जाए और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट का इशू इसके ऊपर सरकार गंभीरता से काम करे, क्या क्या उपायोजना सरकार ने करना चाहिए इस और मैं सरकार का ध्यान आज खींचने वाला हूँ। स्पेशली रामटेक को पर्यटन क्षेत्र के जैसा देखा जाता है, मतलब है ही, तो स्पेशली उसके लिए आप क्या क्या करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा टास्क है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे और कोई इशू हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वो सारी चीज़ों को मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, सरकार का ध्यान इस ओर खींचूंगा और आने वाले एक वर्ष में इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण काम, उल्लेखनीय काम मैं करके दिखाऊंगा। जैसे हम मतलब रामटेक की जनता ने देखा कि जो पूर्व विधायक थे उनकी उन्होंने उनकी मांगे पूरी नहीं की, यानी जो भी है इन्होंने उस लिए उनको हार का सामना करना पड़ा, तो आप निश्चित तौर पे युवाओं की जो है बात आज सदन में रखोगे और ये सब? हार जीत तो चलती रहती है, चुनाव में हारना जीतना ये कोई इशू नहीं है, लेकिन चुनकर जाने के बाद ईमानदारी से 5 वर्ष अपने उस पोस्ट को न्याय देने का प्रयास करना चाहिए। रोज सुबह से उठ के से रात तक, चाहे आधी रात हो, दिन भर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए और वही मैं रहने की कोशिश करता हूँ। जो जो प्रश्न मेरे सामने है उसे छुड़ाने की दृष्टि से मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करूँगा और एक बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि बनकर मैं काम करूँगा। थैंक यू सर। आज हमारे साथ थे विधायक आशीष जायसवाल सर, कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागड़े के साथ मैं एकता ठाकुर, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।